जम्मू कश्मीर में बिहारियों की निर्मम हत्या के बाद से बिहार में सियासत तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेटर लिखकर इसका जिम्मेदार सरकार को ठहराया है। चिराग ने प्रदेश में प्रवासी मंत्रालय के गठन की भी बात उठाई है। चिराग ने कहा कि अगर सरकार पहले ही प्रवासी मंत्रालय का गठन कर देती तो बिहार से बाहर रहकर काम कर रहे लोगों की सुरक्षा हो पाती। अपने लेटर में चिराग पासवान ने कहा कि आज अगर बिहार में रोजगार के अवसर होते तो लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के 16 साल के कार्यकाल में रोजगार की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक हो चुकी है। टारगेट किया गया है, दो की तो मौत हो गई है, एक अभी हॉस्पिटलाइज, अभी दो घंटे पहले की बात। नहीं बिल्कुल, और इसमें मतलब लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं जितनी इसकी निंदा की जाए इस घटना की उतनी कम है, बट साथ ही में कहीं ना कहीं इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की भी होती है। भाई हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने प्रवासी मंत्रालय के गठन के उसके निर्माण की हम लोगों ने बात की थी। वो मंत्रालय का काम ही इस बात को देखना है कि भाई दूसरे प्रदेश में जो बिहारी रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। आए दिन हम लोग विभिन्न प्रदेशों में ऐसी घटना देखते हैं जहां बिहारियों के ऊपर अत्याचार होता है, उनको उनकी हत्या की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने की, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है कि भैया अगर कल को मेरे प्रदेश का कोई लड़का दूसरे प्रदेश में है शिक्षा के लिए रोजगार के लिए, वो वहाँ पर सुरक्षित रहे, वहाँ पर किसी तरीके की उसको कठिनाई नहीं हो। मैं कितने ऐसे युवाओं को जानता हूँ, भाई एक बार बेंगलोर का एक छात्र है जो वहाँ पर रहकर व्यवसाय करना चाह रहा था। निरंतरता में मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैंने इस बारे में मैंने पत्र लिखा कि वहाँ पर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको कठिनाइयाँ होती है, पर राज्य सरकार इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज जिस तरीके से कश्मीर में ये घटनाएँ देखने को मिल रही हैं जिसमें बिहार के भी लोग हैं जो वहाँ पर रोजगार या व्यवसाय के कारण है और उनकी निर्मम ऐसे हत्या की जा रही है वहाँ पर आतंकियों द्वारा, इस बात पर मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहाँ के गवर्नर से बात करें, वहाँ से सीधा संवाद स्थापित करें उनके साथ और वहाँ से बात कर इस बात को सुनिश्चित करें कि भविष्य में कम से कम किसी और ऐसे बिहारी की किसी दूसरे प्रदेश में इस तरीके से निर्मम हत्या नहीं हो और उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजा मात्र देने से भाई नहीं होता। एक कमाऊ सदस्य मात्र 2 लाख का आप उनको मुआवजा दे रहे हैं, एक ऐसे परिवार का जिसका कमाऊ सदस्य की हत्या, अगर वो कमा रहा होता बिहार में तो उसको कश्मीर जाने की जरूरत क्यों पड़ती? कश्मीर वो गया कमाने के लिए और वहां पर उसकी हत्या हो गई और आप सोच रहे हैं कि 2 लाख रुपए का मुआवजा देकर आपने मरहमपट्टी कर दी, आपने उनका इंतजाम कर दिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं मांग करता हूं कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए। भैया वो व्यक्ति कमाने के लिए वहां गया था, क्यों? क्योंकि आपने अपने प्रदेश में उसको सुविधा नहीं दी कमाने की। आज जब उसकी हत्या हो गई है तो उसके परिवार में कमाने वाला और कोई नहीं बचा, तो जो भी ऐसे हैं जिनकी हत्या दूसरे राज्य में हुई है उनके परिवार वालों को कम से कम सरकारी नौकरी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, ताकि उनकी हत्या के बाद उनकी जीविका के ऊपर, उनके परिवार के रहन सहन के ऊपर किसी तरीके की कठिनाई ना आए। गिरिराज सिंह ने T20